वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सभी बहुत अच्छे से होंगे, हम भी बहुत अच्छे से हैं। सो गाइज, अभी मैंने एक व्लॉग एंड किया है और जस्ट मैं एक व्लॉग अभी यहीं से स्टार्ट कर रही हूँ। तो ये वाला जो व्लॉग है ना, आप लोग मतलब इससे पहले जो व्लॉग मैंने शूट किया है वो आप लोग कल ऑलरेडी देख चुके हैं, ठीक है। तो ये नया व्लॉग है। कल मैंने आप लोग को दिखाया था मैं दुनिया भर की सब्ज़ी लेके बैठी थी और हमने पौष बड़े की पार्टी की थी, वो आप सारी चीज़ें कल देख चुके हैं। तो यहाँ पर मैं अभी सारी सब्जियों की कटिंग कर चुकी हूँ, मैं आपको दिखाती हूँ। देखिए, वो मटर है, वो चटनी रखी हुई है ऐसे ही, वो मटर है जो कि सारी मटर छील दी गई है, ठीक है। और ये पालक है जो कि मैंने काट लिया है, ठीक है, बहुत ही बारीक बारीक काटा है। और ये बथुआ है जो कि दाल में और थोड़ी सी सब्ज़ी बनाऊँगी मैं इसकी, बथुए की दाल बहुत अच्छी लगती है गाइस। तो ये मैंने काट लिया है और इसकी सब्ज़ी भी बनाऊंगी और मैं इसे दाल में भी डालूंगी। तो ये भी मेरा कट चुका है। अब आई बात मेरी ये सेम की फली। अच्छा, ये भी मुझे सब्ज़ी बहुत बहुत ज़्यादा पसंद है, सेम की फली। तो ये भी मैंने बहुत बारीक बारीक काट लिया है, ठीक है। तो सब्ज़ी ये ना सेम की फली है, तो ये सेम की फली मुझे बहुत अच्छी लगती है। हम लोग तो केवल सेम ही बोलते हैं, ठीक है। तो ये सेम की सब्ज़ी दाल चावल के साथ टमाटर आलू और सूखी सूखी बनाओ, बहुत टेस्टी लगती है गाइस। मुझे तो ऐसे ही पसंद है, बाकी आप लोग को कैसे पसंद है मुझे नहीं पता। और बाकी ये अभी इतना और रह गया है, तो मैंने कहा एक चीज़ मैं आप लोग को दिखाती हूँ। काटते काटते मैंने अपना काम छोड़ के मैं आप लोग को दिखाती हूँ, ठीक है। ठंडियों की सब्ज़ियाँ हैं सारी की सारी, वो सब मैंने काटा है, बथुआ पालक मटर, मटर छील के वो वहीं भर के रखा है, बाहर दे देंगे जानवर को, गाय को खा लेगी। बाकी ये सेम की फली मैं काट रही थी, काटते काटते मैंने छोड़ा। मैंने कहा एक चीज़ आप लोग को दिखाती हूँ, पति देव जी जैसा हर साल वो करते हैं वो इस साल भी वही कर रहे हैं, बच्चों के लिए बनाए जा रहे हैं लड्डू। और ये लड्डू इतना ज़्यादा हेल्दी है। नंता क्या कर रही हो? हाँ लड्डू, ये इतना हेल्दी लड्डू है। अब इसमें वासुदेव जी ने क्या क्या मिलाया है मुझे नहीं पता, सब चीज़ें इसमें सारे ड्राई फ्रूट्स हैं। हाँ, क्योंकि ये इन्होंने अकेले बनाया और देसी घी की जो खुशबू आ रही है ना, मैं क्या बताऊँ, गर्म बहुत है, गर्म बहुत है ना, तो गर्म ही गर्म बनेंगे ये। और मैं सब्जी काट रही थी, अदरवाइज मैं इनकी हेल्प कराती। तो वासुदेव जी, आपने इसमें क्या क्या मिलाया है? इसमें गोंद है, गोंद है, यस, और काजू है, काजू है, बादाम है, बादाम। सारे का पाउडर डाल दिया कि आपने कटिंग? सबका मैंने पाउडर। अच्छा, हाँ बोलो। हाँ वो इस ऐसे वो हेल्दी होता है ना इसकी वजह से, काजू बादाम किशमिश, काजू बादाम किशमिश, ड्राई फ्रूट सारे डाले आपने, हाँ। है ना, बाकी और मीठे के लिए थोड़ा सा क्या है वो चीनी का बूरा है। चीनी का बूरा, अच्छा, और आटा है, गेहूं का आटा, हाँ। गेहूं का आटा और वो अलसी, अलसी के बीज है, अलसी है। अलसी पीस के फ्राई करके डाला हुआ है, देसी घी में फ्राई किया होगा, और भुने हुए चने का ये लेकर आए थे, चने को भुने हुए चने को छील के इन्होंने पीस के पाउडर बना के फिर इसमें ऐड किया। मतलब इसमें आपने बहुत सारी चीज़ें डाली हैं, है ना, अलसी और चने और गेहूं का आटा और बाकी ड्राई फ्रूट्स, गोंद और चीनी वाला बूरा। और गाइस ये देख रहे हैं आप लोग, और पता है आज मेरी शादी, मतलब हमारी शादी को 9 साल तो हो गए होंगे ना कैसे जी, तो ये भाई 9 साल से एक ठंडी भी मिस नहीं हुआ ये लड्डू। ये देखिए हाथ के छाप बैठ गए हैं पति देव जी के। ओके, समझ रहे हैं आप, 9 साल में एक साल भी मेरे पति देव जी ने, मेरे वासुदेव जी ने एक बार भी कभी मिस नहीं किया ये बनाना। इनको ये रहता है कि भाई सर्दियां आ गई हैं तो बच्चों को हेल्दी और थोड़ा सा इम्यूनिटी बूस्टर, इम्यूनिटी बूस्टर इनको ऐसा रहता है कि भाई बच्चों की, बच्चों को दवाइयाँ ना खानी पड़े, बस इनका यह रहता है कि दवाइयाँ बच्चों को मत खिलाओ, कोशिश करो कि बच्चे दवाइयों से बचे, है ना वासुदेव जी। ये देखो हमारे वासुदेव जी ऐसे ही चाहते हैं कि मेरे बच्चे दवाइयाँ ना खाएं। और ये इतना हेल्दी लड्डू कि भाई मत पूछो, क्योंकि पापा हमसे प्यार करते हैं। हाँ जी, बिकॉज पापा इज लविंग अस वेरी मच। ओके,
सेट हो जाएगा। हाँ ये तो अभी भी बस 5-10 मिनट में सेट हो जाएगा, बन जाएगा आराम से। एंड डू यू लव योर डैडी? आई मेक हिज कार्ड इन बर्थडे इन हिज बर्थडे। ओके आई विल शो यू। ओके बट ये लड्डू यूट्यूब की फैमिली के लिए भाई। देखिए आप लोग गाइस, बताइएगा गोल बना नहीं बना। अरे एक बात कहूँ मैं, देसी घी के लड्डू टेढ़े ही सही। ये आपने कहावत सुनी कि नहीं सुनी है? हमारे वहाँ पे बोला जाता है भाई, हमारे उधर कानपुर में, देसी घी के लड्डू टेढ़े सही। वो देसी घी का है ना, तो फिर उसमें शेप की जरूरत नहीं है, वो हम टेढ़े ही खा लेंगे। बाकी लड्डू पे होने चाहिए। हाँ वो बाकी जो लोकल छाप है ना, उसमें तो भाई बिल्कुल शेप चाहिए। लेकिन देसी घी के, हमारे उधर कहावत ही है, देसी घी के लड्डू टेढ़े सही। ये देखो मैं बने के शॉप खोले थे ना, इन वाले लड्डू की। अच्छा अच्छा देख लीजिए भाई, मेरे बेटे का बिजनेस दिमाग है। अच्छा ये बात है, आपका जो बेटा है हमेशा बिजनेस वाली बातें करता है। ये हमेशा बिजनेस दिमाग क्यों लगाता है मुझे समझ में नहीं आता है। क्योंकि पहले आइडिया मैं लगाया ना, तो ऊपर लिख देना केशव लड्डू शॉप। अच्छा तो वहाँ पर सारे लोग कुछ लोग आएंगे, मांगेंगे। वासुदेव जी आपका बेटा क्या कह रहा है? मैं दिमाग मैंने लगाया, पहला आइडिया मेरा है, तो वो शॉप में नाम लिखना केशव लड्डू शॉप। भाई केशव के नाम का है तो वो तो माखन मिश्री खोले का है, लस्सी वाली खोले का है, केशव लस्सी शॉप। भाई केशव का नाम है तो लस्सी दूध घी, सॉरी दूध दही घी का नाता तो केशव से है ही। काना जी लड्डू भी तो खाते थे। हाँ कितने लड्डू खाते थे? हमारे लड्डू गोपाल तो सब खाते हैं, उनका नाम ही लड्डू गोपाल है। क्योंकि क्यों वासुदेव जी, शुरुआत उनका नाम लड्डू से हुआ ना। हाँ तो केशव लड्डू शॉप। यस ओके। उधर देखो, उधर देखो, बस मेरा थोड़ा अच्छा नाम लिखना। वी को हटा के यू लगा देना। क्यों? केशु, केशु लड्डू शॉप। जी केशु लड्डू। व्हाई? बिकॉज़ आई लाइक केशु नेम। यू यू लाइक फ्रेंड नेम आल्सो केशु। यस यस लो ये ले जाओ। आई प्ले इन इवनिंग एवरी डे। Yes. This is my one bag. And this tucking just. Okay. It is a mummy. See. But two colors is here also new. Here's mention. But this is liquid gold, liquid silver. Also liquid gold. And here's showing how to open this watercolors. And here's two new shades. Okay. Liquid gold, liquid silver. But I think who like this both color, they comment only, means only you comment this both color. Who like this color? So comment this color. This color is good. Who like this color? This color is very good. I think some YouTube family gave to golden, but they don't know golden is small than silver. Okay. Silver is big and golden also big, but it was small. I have a old watercolor. This is not a dome. That was a dome. ओके तो केशव से तो बहुत बातें कर ली हमने। यहाँ पे हमारे और यहाँ पे बड़े ही मग्न से
कुछ अलग ही विचारधाराओं को दिमाग में चलाया जा रहा है और लड्डू बनाया जा रहा है। और एक बात बोलूँ, ये सब काम जब करते हैं ना तो वाकई एक अलग ही विचारधारा आती है कि कैसा बना होगा, खाने वाला कितनी तारीफ करेगा, क्या पता चीनी कम है, क्या पता इसमें देसी घी कम है, क्यों इस टाइप के विचार आते हैं क्या? ये सब चीज़ें जब बनती हैं नहीं, ओए हाथ कितने रेड हो गए हैं भाई, बाप रे आपके हाथ भी गर्म हो गए हैं। गरम गरम तो बनता है लड्डू। हाँ यस यस आई नो यस। और ओ चार चार आठ चार बारह नंदिता शतानी नहीं 19 हो गए। चलो मैं आपको दिखाती हूँ गाइस, ये देखिए अभी और भी लड्डू बनाने हैं, पता है ये कह रहे थे मैं और भी बनाऊंगा, अभी कुछ जैसे जैसे बनते जाएंगे हम लोग आप लोग के साथ शेयर करते जाएंगे। ओके ये देखिए कितने टेस्टी लग रहे हैं ना, देख रहे हैं। अच्छा आपने किशमिश वगैरह सब डाले, सारे ड्राई फ्रूट डाले ना, ये है ना ये सब देखो ये सब। यार ये अभी तक का मेरा वोट दिया हुआ अभी तक नहीं छूट रहा है, देखो सर्दियों में हाथ मैंने साग वाग काटा ना कैसा हो रहा है। माय फादर यस माय फादर ये देखिए भाई लड्डू तैयार हो गए हैं, सर्दियों की क्या ही बोलूं, बिल्कुल भी लगने नहीं देंगे हमें पतिदेव जी सर्दी, क्यों पतिदेव जी यस यस ये देखो सर्दियों की तरह इट्स सो टेस्टी। ये देखिए लड्डू खिलाया जा रहा है टेस्टी। ओके चलिए गाइस मिलते हैं बाद में। मैंने बोला था ना थोड़ा मीठा ही बनाइएगा। चलो बाय बाय बोलो, बाय बाय। और व्लॉग पसंद आए तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। और जो मैंने बताया था कि इन दोनों कलर में से आपको कौन सा कलर अच्छे लगे, नहीं नहीं और वो कमेंट लीव कमेंट करना प्लीज। छोटे बच्चों की बात तो सुनते ही होगे ना आप, तो मेरे कलर से वीडियो को प्लीज लाइक कर देना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक लिव बाय 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 बाय, लव यू ऑल गाइस। जो कलर अच्छा लगे कर देना, चलो वीडियो ब्लॉग एंड करो, बाय 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 बाय।